नमस्कार दोस्तों, इंडियन न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, भारतीयों ने चीन की कैसे कमर तोड़ी है और चीन को कैसे 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया है, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि चीन भारत के साथ लगातार सीमा विवाद बनाए रखे हुए हैं। भारत ने चीन के साथ 13वें दौर की वार्ता की थी, इसमें भी कोई नतीजा नहीं निकला और अब 14वें दौर की वार्ता भी होने वाली है। इसी बीच लगातार चीन भारतीय सेना को आंखें दिखाता है और भारत को युद्ध करने की धमकी देता है। ऐसे में भारतीय सेना तो चीनी सेना को मुंह तोड़ जवाब दे ही रही है, परंतु चीन की काली करतूतों से गुस्साए हुए भारतीय चीन को झटका देने से पीछे कैसे हट सकते थे, और अभी भारतीयों ने चीन को बहुत बड़ा झटका दे डाला है। दरअसल दोस्तों, हर साल दिवाली के समय पर चीन के व्यापारियों के द्वारा करीब 1,00,000 करोड़ रुपए का व्यापार किया जाता था भारत में, और इतने पैसों का व्यापार केवल दिवाली के सीजन पे ही चीन के साथ होता है। ऐसे में जब भारतीय चीन के साथ गुस्साए हुए हैं, ऐसे में तो भारतीयों का कहर चीन पर टूटना बनता ही था, और वैसा हुआ भी। दोस्तों, जो कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स अर्थात कैट है हमारी, उसके एक सर्वे के अनुसार भारतीयों के द्वारा बायकॉट चाइना पॉलिसी का फिर से आह्वान किया गया, और इसी बीच दिवाली सीजन आने से पहले भारतीयों ने चीन को बहुत बुरी तरीके से धो डाला है, और हमारे जो व्यापारी हैं उन्होंने चीन से सामान लाने के लिए आयात पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है, और अब चीन से कोई भी सामान भारत में आएगा ही नहीं। तो इससे चीन को लगभग 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान तो दिवाली से पहले ही हो गया है, और इसके बाद लगभग 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान और चीन को उठाना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान समय में जब चीन की तरफ से कोई भी प्रोडक्ट भारत आएंगे ही नहीं तो व्यापार नहीं होगा, और इसमें चीन को बहुत ही बड़ा घाटा झेलना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि 1,00,000 करोड़ रुपए तो चीन के लिए बहुत ही छोटी रकम है, चीन तो बहुत ही ज्यादा संपन्न है भारत के मुकाबले में, परंतु दोस्तों आप सभी यह जानते होंगे कि कितना ही बड़ा काम क्यों ना हो, उसकी शुरुआत हमेशा छोटे स्टेप से ही होती है, और भारतीयों ने इस क्रांति को बहुत ही आगे पल्ला दिया है, और इससे भारत में चीन के प्रोडक्टों का बॉयकॉट बहुत ही तेजी से हो रहा है। तो एक बार फिर से भारतवासियों ने यह साबित कर दिया है कि भले ही हम आपस में कितना ही क्यों ना लड़ते रहें, परंतु जब बात देश के ऊपर आ जाती है तो सभी एकजुट हो जाते हैं और दुश्मन को करारा जवाब देते हैं। बाकी आप सभी की भारतवासियों की इस पहल पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।